आज की खास मैनेजमेंट हमारे कल्पतरु पावर के चेयरमैन मिस्टर मोफतराज पी मुनोत जी मौजूद है हमारे साथ. मुनोत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका. शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए. सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में ही बता देते हैं दर्शकों को कि 1969 में इस कंपनी का गठन हुआ था. तकरीबन 40 देशों में कंपनी की मौजूदगी है और पावर ट्रांसमिशन और ईपीसी कारोबार में सबसे ज्यादा कारोबार करती है कंपनी. सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल में हमने देखा है कि डोमेस्टिक ट्रांसमिशन बिजनेस में एक शार्प डिक्लाइन मिला है, तो क्या ये शिफ्ट ऑफ बिजनेस देखने को मिल रहा है या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? अभी बिकॉज अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण से अभी जो पहले पावर ग्रिड एक प्रमुख जिसके यहां से हमको ऑर्डर्स मिलते थे, अभी टैरिफ बेस्ड बिडिंग हो रही है, तो उसमें प्राइवेट लोगों का काफी बड़ा रोल हो गया है. और इवन पावर ग्रिड को भी उसमें कम्पीट करके अगर उनको जॉब लेना है तो लेना पड़ता है. सो पहले तो पावर ग्रिड को डोमिनेटेड द सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी थी. अब वैसी सिचुएशन नहीं है, एक्सेप्ट कुछ लोग कुछ एरियाज छोड़ के या कुछ स्ट्रेटेजिक लाइन छोड़कर अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है और उस बिडिंग में प्राइवेट लोगों का रोल काफी बड़ा हो गया है और पावर ग्रिड का रोल कम हो गया है, तो उसके कारण से डोमेस्टिक में थोड़ा सा डिक्लाइन है. और इवन एसीबीज नाउ कोशिश कर रही है ज्यादा काम करने की, पर हर एक एसीबीज के पास पैसे की जरा समस्या रहती है. बिल्कुल. तो हमारा ध्यान हर एसीबी पे नहीं रहता, कुछ ही एसीबीज के साथ में हम लोग काम करते हैं, पर हमारा थ्रस्ट वैसे भी ओवरसीज पे ज्यादा बड़ा है. आज हम लोग 22 कंट्रीज में काम कर रहे हैं और नई नई कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें थ्रस्ट हमारा वैसे भी ज्यादा है. चलिए, तो इंटरनेशनली भी काफी बढ़ रही है अब कंपनी आगे, 22 कंट्रीज में ऑपरेशंस है. लेकिन ऑर्डर्स की आपने बात करी, हमने ये भी देखा कि क्वार्टर फोर में स्टैंडलोन जो नतीजे रहे हैं वहां पर भी 64% तक का उछाल देखने को मिला है. तो अभी करंट ऑर्डर बुक आपकी कितनी है और क्या क्वार्टर टू में भी कुछ नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं? क्वार्टर टू में मिलेंगे. अभी L1 पोजिशन लगभग 2500 करोड़ की है हमारी, बिसाइड द ऑर्डर जो पिछली बार मिले और इस बार भी हमको मिले हैं, और बाकी L1 पोजीशन भी अबाउट 2500 करोड़ की हमारी है. ऑल राइट, 2500 करोड़ तक की L1 बिडिंग भी आपने करी हुई है ऑर्डर्स की. सर, आपका काफी कारोबार अभी ट्रांसमिशन और इवन रेल रोड में भी है, तो अभी हाल ही में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शिंजो आबे ने शिलान्यास किया है अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ बातचीत आपकी चल रही है? एनी मोर ऑर्डर्स या कॉन्ट्रैक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको मिल सकते हैं? हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बिकॉज इसमें मेनली जापानीज कॉन्ट्रैक्टर प्रमुख भूमिका निभाएंगे, बट वी आर वर्किंग एंड वी आर टॉकिंग टू लॉट ऑफ जापानीज कॉन्ट्रैक्टर्स टू एसोसिएट विद देम सो दैट उसका हमको भी कुछ शेयर पाई मिल सके. सर, आपने ये भी बात करी कि ओवरसीज अब आपका ज्यादा फोकस है, 22 कंट्रीज में आपके ऑपरेशंस हैं, तो अभी एक्सपेंशन प्लान्स अभी क्या हैं? ज्यादातर अभी आपका कारोबार अफ्रीका में है, तो क्या अभी अफ्रीका में ही एक्सपेंशन करेंगे या कुछ और मार्केट्स को ढूंढेंगे एक्सपेंशन के लिए? अफ्रीका इटसेल्फ इज वेरी लार्ज, इट्स 54 कंट्रीज, सो इट्स नॉट वन कंट्री, सो ह्यूज स्कोप इज देयर. सो आवर मेजर थ्रस्ट रिमेन्स अफ्रीका, but still we are working on other countries also wherever we can put our footprint. राइट. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुनोत आपका समय हमें देने के लिए और विस्तार से चर्चा भी करने के लिए कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में, सभी चीजों पर अपनी ओपिनियंस रखने के लिए. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे साथ अब एक और खास मेहमान है, मयूरेश जोशी है हमारे साथ. जोशी जी नमस्कार. सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमने अभी कल्पतरु पावर के मैनेजमेंट से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से अब कंपनी आगे बढ़ रही है. उनका मानना है कि डोमेस्टिक कारोबार में अभी थोड़ी जरूर कमजोरी है लेकिन इंटरनेशनली कंपनी आगे बढ़ रही है. इनफैक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी कंपनी को उम्मीद है कि कोई ना कोई ऑर्डर्स मिल पाए. क्या सोच रहे हैं अभी आप निवेशकों को, कल्पतरु पावर में क्या सलाह है आपकी? एक बिजनेस मॉडल सेट है, एक 15% सेल्स ग्रोथ अगले 2-3 वर्षों में आना बिल्कुल लाजमी है.
इन टर्म्स ऑफ अ कंपाउंडेड रेट और मार्जिन मैनेजमेंट खुद उम्मीद कर रहा है 10.5-11% के आसपास रहे. तो फोकस काफी क्लियर है इंटरनेशनल बिजनेस जो अभी मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था, अफ्रीकन बिजनेस की फोकस एरिया है, रेलवे सबस्टेशन बिजनेस भी की को ड्राइवर्स हो सकते हैं जहाँ पे बिटा मार्जिन अच्छी खासी इंप्रूव हुई है क्लोज टू 9% और जितना केपेक्स इनके प्लान हैं और जितनी इनकी एक क्षमता है टू प्रोड्यूस फ्री कैश फ्लोज आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक प्रॉफिटेबल रेवेन्यू ग्रोथ प्लस जो इम्प्रूवड ROC दिखेगी बिकॉज ऑफ लेसर कैपेक्स इंटेंसिटी एंड मोर कैश फ्लोज आई थिंक एक डिविडेंड यील्ड में भी दिखेगा जो 1% के आसपास है. तो एक होल्ड रेटिंग बरकरार रहती है स्टॉक. What is the target that you're looking at, Mayuresh? So current price, I think FY18 से I think fairly price लग रही है. But मेरे ख्याल से any decline can be a buying opportunity. एक 12-15% की upside अगर stock decline होता है तो बिल्कुल मुमकिन होता है. All right. शुक्रिया Mayuresh आपका opinion रखने के लिए कल्पतरु पावर पर.